Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn what the difference between after and later. Friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है संजीत बाल. आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि after और later में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग बाद में होता है. तो फिर हम कैसे समझे कि बाद में के लिए कब हमें after का यूज करना है और कब हमें later का यूज करना है. बहुत आसान कंसेप्ट है फ्रेंड्स, चलिए इस बात को सीखते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आफ्टर और लेटर का यूज देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें. आफ्टर मींस आफ्टर समथिंग और समवन. लेटर मींस एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम. तो फ्रेंड्स, वर्ड आफ्टर का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी चीज के बाद या किसी के बाद. जैसे अगर आपको कहना हो तूफान के बाद बारिश आई, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बोला तूफान के बाद, यानी किसी चीज के बाद. फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि रंजीत के बाद संजीत आया, तो यहाँ पर मैंने बोला किसी के बाद, यानी रंजीत के बाद मैं वर्ड आफ्टर का यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि आफ्टर का मतलब ही होता है आफ्टर समथिंग और समवन, यानी किसी के बाद या किसी इंसान के बाद. लेकिन फ्रेंड्स, जब हमें वर्ड बाद बोलना हो और उसके बाद ये बात स्पेसिफिक ना हो, यानी क्लियर ना हो किसके बाद, या ये बात ना बताई जाए कि इस चीज के बाद या इस इंसान के बाद, तो हम वर्ड आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड लेटर का यूज करते हैं. जैसे अगर लिखा हो वह बाद में आया, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस से ये नहीं पता चला कि किसके बाद या किस चीज के बाद, यानी किस नाउन के बाद यह बात क्लियर नहीं है, यह बात अनस्पेसिफाइड है. तो यहाँ हम लेटर का यूज करेंगे. फ्रेंड्स, अगर कहना हो मैं बाद में जवाब दिया, तो यहाँ बाद में के लिए आप लेटर का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया किसके बाद, जैसे उसके बाद या उन लोगों के बाद. मैंने सिर्फ बोला बाद, और इस कंडीशन में हम लेटर का यूज करते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो स्टूडेंट्स के बाद टीचर्स आए, तो यहाँ आपने इस सेंटेंस में देखा कि किसी के बाद यानी स्टूडेंट के बाद, तो यहाँ वर्ड आफ्टर का यूज होगा. क्यों? क्योंकि वर्ड आफ्टर का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी चीज के बाद या किसी के बाद. ही केम आफ्टर मी, या आफ्टर हर, या आफ्टर देम. वह मेरे बाद आया, या वह उसके बाद आया, या वह उन लोगों के बाद आया. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ आफ्टर का यूज किया क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि किसी के बाद. लेकिन आप यहाँ देखें, ही केम लेटर, इसका मतलब हुआ वह बाद में आया. अब किसके बाद आया, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं. ही डाइड आफ्टर हिज सन, वह अपने बेटे के बाद मर गया. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने आफ्टर का यूज किया. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि किसके बाद, तो अपने बेटे के बाद. लेकिन फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ही डाइड लेटर, तो इसका मतलब हुआ कि वह बाद में मर गया. अब आपने यह वर्ड लेटर का यूज किया. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जा रहा है कि किसके बाद या किस चीज के बाद या किस इंसान के बाद. फ्रेंड्स, अक्सर आप मूवी देखते हुए इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं जहां लिखा होता है 5 years later, 20 years later. तो फ्रेंड्स, वहां लेटर का यूज क्यों होता है, यानी वहां लेटर का क्या सेंस है? लाजमी है वहां लेटर का मीनिंग बाद में होता है. यानी अगर लिखा हो 5 years later, तो इसका मतलब होता है 5 साल बाद. तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लेटर का यूज क्यों किया गया, यहाँ पर आफ्टर का यूज क्यों नहीं? क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस नाउन के 5 वर्ष के बाद या किस चीज के 5 वर्ष के बाद. यहाँ पर टाइम अनस्पेसिफाइड है, इसलिए यहाँ लेटर का यूज हुआ. अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम मूवी में देखते हैं. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको लेटर और आफ्टर का यूज समझ में आया कि हम आफ्टर का यूज तब करेंगे जब हमको कहना हो किसी नाउन के बाद, यानी किसी चीज के बाद, किसी इंसान के बाद. लेकिन अगर वो टाइम स्पेसिफिक ना हो,
क्लियर ना हो और इस कंडीशन में हम लेटर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मेक और डू में क्या फर्क है, यानी किस कंडीशन में हमें मेक और डू का यूज करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, मेक और डू का कंसेप्ट समझें। बहुत दिलचस्प लेसन है, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डू का यूज देखेंगे, उसके बाद हम मेक का कंसेप्ट समझेंगे। फर्स्ट, डू इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वर्क, जॉब और टास्क। डू का यूज हम तब करते हैं जब हम बात वर्क, जॉब या टास्क की करें। आप ये बात याद रखेंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। डू से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है। आइए इस बात को एग्जाम्पल में देखें। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो यहां हमने डू का यूज किया, क्यों? क्योंकि यहां बात काम की हो रही है। आई वुड लाइक टू डू दैट जॉब, मैं वह काम करना पसंद करूंगा। हमने यह वर्ड डू का यूज किया क्योंकि हम किसी जॉब को करने की बात कर रहे हैं। आइए डू का अगला यूज देखते हैं। डू इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू एक्टिविटीज इन जनरल विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। फ्रेंड्स, डू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जनरल एक्टिविटीज की बात करें, यानी जब वह काम स्पेसिफिक ना हो तो हम डू का यूज करते हैं। In this case, we normally use word like thing, something, nothing, anything, everything, etc. और इस केस में जो आमतौर पर हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है thing, something, nothing, anything या everything. चलिए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। Don't just stand here. यहाँ सिर्फ खड़े ना हो। Do something. कुछ करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा काम करना है ये बात स्पेसिफिक नहीं है, बट ये है कि कुछ करो। तो हम डू का यूज तब करते हैं जब वह काम स्पेसिफिक ना हो बल्कि जनरल एक्टिविटीज हो। सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है, यानी यहाँ वर्ड डू का यूज एक जनरल एक्टिविटीज में हुई है। दे विल डू एवरीथिंग, वे सब कुछ करेंगे। अब क्या क्या करेंगे ये बात स्पेसिफिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। हम डू का यूज जनरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, यानी जब वो काम कोई स्पेसिफिक ना हो तो हम डू का यूज करते हैं और इस कंडीशन में वर्ड थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होती है। वी समटाइम्स यूज डू टू रिप्लेस अ वर्ब व्हेन द मीनिंग इज क्लियर और ऑब्वियस। फ्रेंड्स, कई बार डू का यूज किसी वर्ब की जगह करते हैं, यानी एक वर्ब को रिप्लेस करके डू का यूज करते हैं, और ऐसा तब करते हैं जब वह वर्ब पहले से पता हो या जाहिर हो। और फ्रेंड्स, दिस इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश, और ये बात इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बहुत आम है या ऐसा आम तौर पर किया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, डू आई नीड टू डू माई हेयर। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा है डू माई हेयर और इसका मतलब हुआ क्या मुझे अपने बालों को झाड़ने की जरूरत है, यानी यहाँ डू माई हेयर मीन्स ब्रश माई हेयर। यहाँ डू का यूज ब्रश या कोम से है, यानी अगर हम कहें डू माई हेयर इसका मतलब ब्रश माई हेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड ब्रश को रिप्लेस करके डू आया है, क्यों? जब काम पता होता है या कौन सा काम है ये बात जाहिर होती है तो हम वहां पर डू का यूज करते हैं उस वर्ब को रिप्लेस करके। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है, हैव यू डन योर डिशेस, क्या तुमने अपने बर्तन धुल लिए हैं, या क्या तुमने अपने बर्तन साफ कर लिए हैं। फ्रेंड्स, यहां पर वर्ड डन आया है। डन योर डिशेस मींस वॉश्ड योर डिशेस। तो फ्रेंड्स, यहां आपने सीखा कि यहां पर वर्ड डन वॉश्ड को रिप्लेस करके आया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, डू का लास्ट यूज देखते हैं। रिमेंबर, डू कैन आल्सो बी एन ऑक्सिलरी वर्ब फॉर मेकिंग क्वेश्चंस इन प्रेजेंट टेंस।
एग्जाम्पल के लिए डू यू लाइक चॉकलेट, तो फ्रेंड्स डू का यूज हम प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए भी करते हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सीखा कि डू का यूज प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अब सीखते हैं कि मेक का क्या यूज है, यानी हम किस कंडीशन में मेक का यूज करेंगे। फ्रेंड्स मेक का यूज प्रोडक्ट मटेरियल या ओरिजिन के लिए करते हैं, जैसे मेक इज यूज टू इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट और द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक समथिंग। फ्रेंड्स हम मेक का यूज तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है या उसके बनने का जो जरिया है यानी जो स्रोत है या ओरिजिन है वो क्या है। जैसे हिज वेडिंग रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका जो शादी का रिंग है वो सोने का बना हुआ है। तो यहाँ हमने मेड का यूज किया ताकि हम बता सकें कि ये जो रिंग है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। द हाउस इज मेड ऑफ अडोब, यह घर ईंट से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने मेड का यूज किया क्यों, क्योंकि हमको बताना है कि ये जो घर बनी हुई है इसका मटेरियल क्या है या इसका जरिया क्या है। वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, शराब अंगूर से बनता है। यहाँ मेड का यूज हुआ ताकि आप समझ सकें कि ये शराब बनने का जो जरिया है या ओरिजिन है वो है ग्रेप्स। तो फ्रेंड्स मेक का यूज हम तब करते हैं जब हमको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है या किस जरिए से बना है, किस ओरिजिन से बना हुआ है। आइए फ्रेंड्स मेक का दूसरा यूज देखते हैं। वी यूज मेक फॉर सर्टेन नाउंस अबाउट प्लान एंड डिसीजंस। फ्रेंड्स हम मेक का यूज प्लान और डिसीजन के लिए करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम मेक का यूज तब करते हैं जब हम किसी काम को प्लान करें या किसी काम की होने का डिसीजन लें। जैसे ही हैज मेड अरेंजमेंट्स टू फिनिश द वर्क इजली, उसने अपने काम को आसानी से खत्म करने के लिए एक अरेंजमेंट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम वर्ड मेड का यूज किए क्यों, क्योंकि वर्ड मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम को प्लान करते हैं। You need to make decision right now. आपको अभी कोई decision लेने की जरूरत है। तो friends यहाँ use हुआ make decision। तो friends आप ये बात याद रखेंगे कि जब हम किसी काम को plan कर रहे हैं या जब हमें कोई decision लेना हो तो हम make का use करते हैं। We use make for producing an action or reaction. हम word make का use किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, जैसे यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया। तो फ्रेंड्स यह वर्ड मेड से किसी रिएक्शन का पता चला कि कुछ होने के बाद कुछ हुआ, यानी तुमने मुझे कुछ कहकर खुश कर दिया। ऑनियन मेक योर आईज वाटर, प्याज से तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स यह मेक का यूज किसी रिएक्शन को बता रहा कि ऐसा करने से तुम्हें ऐसा होता है। तो हम मेक का यूज किसी एक्शन या रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स मेक का अगला यूज देखते हैं। आइए फ्रेंड्स मेक का लास्ट यूज देखते हैं। फ्रेंड्स स्पीकिंग एंड साउंड्स, वी यूज मेक विद नाउंस अबाउट स्पीकिंग एंड सर्टेन साउंड्स। फ्रेंड्स कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग यानी कोई बोली या सर्टेन नाउंस के साथ करते हैं, जैसे शी मेड अ नाइस कमेंट अबाउट माय ड्रेस। यहाँ वर्ड मेड का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है कि उसने हमारे ड्रेस के बारे में अच्छा कमेंट कही या अच्छा कमेंट बोली। प्लीज मेक अ कॉल, यहाँ वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग के लिए आया हुआ है। डोंट मेक एनी नॉइज हियर, यहाँ कोई भी शोरगुल मत करो। तो फ्रेंड्स यहाँ वर्ड मेक का यूज किसी साउंड के लिए आया हुआ है। कई बार हम वर्ड मेक का यूज स्पीकिंग या सर्टेन साउंड्स के लिए करते हैं।
उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको डू और मेक का यूज समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।